मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर सेकंड, खरीमा, जिनके लेखक है रमनलाल वसंतलाल देसाई, नवलिका प्रकार है। रमनलाल वसंतलाल देसाई का जन्म है 12/5/1892 यानी 12 मई 1892 एंड मृत्यु है 20 सितंबर 1954 यानी वो एक बहुत जाने माने थे, विवेचक भी है, वार्ताकार है, युग मूर्ति के नाम से उनको पहचाना जाता है। दिव्य चक्षु, बारेलो अग्नि, ग्राम लक्ष्मी बाग 1 से 4, कोकिला, हृदयनाथ, हृदय विभूति, उनकी यशस्वी नवल कथा भी है। नवल कथा के साथ साथ उन्होंने नवलिका, एकांकी, कविता, चरित्र विवेचन, प्रवास और आत्मचित्र जैसे भी उन्होंने बहुत सारा लेख लिखा हुआ है। महाराणा प्रताप, नाना फडणवीस, मानव सौरभ एम उनके चरित्र पुस्तक भी है। रमनलाल वसंतदास देसाई की नवलिका जो खरी माँ, यहाँ बहुत नोट पात्र है। दोस्तों, इस लेसन में एक छोटा कुसुम आयुध है जो छोटा है बहुत, अभी तक उनको ठीक तरह से कपड़े भी पहनना नहीं आता है ऐसा, और उनकी माता जब मर जाती है तब वह सोचने लगता है कि मेरी माँ कहाँ गई, कि मुझे भी मेरे माँ के पास जाना चाहिए, ऐसा सोचने लगता है। इस लेसन से अगर कोई ऐसे पूछा जा सके तो वैसा है कि मातृप्रेम या माते माँ बीजा बधा वगड़ाना वा, ऐसा ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप अच्छी तरह से ये मातृप्रेम, उसमें क्या है कि जब आप ऐसे लिखते हो तो आपको कुछ अच्छे गुड थॉट ऐसा संस्कृत में हो, हिंदी में हो, गुजराती में हो या तो इंग्लिश में हो, इनको लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो कि जेम गौड़ बिना मोड़ो संसार, तेम माँ बिना सुनो संसार। दूसरा लिख सकते हो कि माँ ते माँ बीजा बदा वगड़ाना वा। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लोल, यानी एक सेंटेंस ये भी है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और धरती का जो प्रेम होता है वो स्वर्ग से भी महान होता है। तो इस तरह से जो आप जो सेंटेंस है वो सेंटेंस अगर आप लिख सको तो आपका जो जो निबंध है वो बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ किस तरह से कुसुम आयुध अपने माँ से, माँ के प्रेम का प्यासा है और माँ अभी फिर उनकी नई आती है, वो नई माँ हम जो जानते हैं ना कि जो स्वर्ग की आती है, कि स्वर्ग के जो माँ होती है वो किस तरह से क्या है के व्यवहार करती है बच्चे के प्रति, तो वो तो शायद आपने अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा। शायद कहीं जो ऐसे बच्चे के जिनके माता है वो माता मर गई है और उनके जो पिता है वो पिता दूसरी पत्नी लाए हैं और दूसरी पत्नी लाने के बाद वो कैसे जो अगले बच्चे के साथ व्यवहार करती है, वो जो बातें हैं वो तो शायद आपने कहीं अपने अड़ोस पड़ोस में देखी होगी। तो जब देखो तब क्या है कि खुद खुद अगर कहीं देखा है तब आपको महसूस होता है कि नहीं, कि माँ का जो स्थान होता है जीवन में बहुत बड़ा होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि लाख कमाने वाले पिता मरना चाहिए लेकिन कुछ न कमाने वाली माँ को कुछ होना नहीं चाहिए, कि माँ जब जब हम सुनते हैं तो अपना जो हृदय है वो हृदय एकदम शांत हो जाता है, मन में विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि अब मैं पूर्ण सेफ हूँ। तो यहाँ माँ का प्रेम का प्यासा कुसुम आयुध किस तरह से माँ का प्रेम पाने के लिए जो तड़प रहा है उनका वर्णन इस लेसन के अंदर किया हुआ है। तो चलो हम लेसन देखेंगे कि नाम नकड़ो कुसुम आयुध आजे मुजवन मनुष्य अनुभव आनंद अनुभव तो हतो। गमी जाए एवी सारा कपड़ा धारण करेली स्मित परी कोई युवती गर्म फरती हती। कुसुम आयुध तेना माता पिता ने एटलो वहालो हतो के तेनु नाम लांबू पण नवाई भर्यू पाड्यू हतु, परंतु माँ ए पुत्र ने लाल लड़ावा जीवी नहीं, तेने 4 वर्षों मुकी छे स्वर्गवास थई गई अने त्यार पछी 2 वर्ष वीती गया छतां तेनी माता पाछी आवी नहीं।
यानी छोटा कुसुमायुध था, वो बहुत सुंदर था, अच्छा था, कि आज वो बहुत खुश है क्योंकि अपने घर के अंदर एक नए कपड़े धारण करके एक औरत जो आ रही आई है और बहुत खुश है। अब इसकी वजह से जो माता पिता का बहुत वो लाडला था, प्यारा था, और उनका नाम उनके माता पिता ने बहुत लंबा रखा था कुसुम आयुध, लेकिन माँ का जो प्रेम पाने के लिए वो क्या है, माँ उनके जिंदा नहीं है, और आज वो 2 साल का था तब से ही उनकी जो माँ, यानी 4 साल का वो था तब से उनकी माँ है वो मर गई है स्वर्गवास। अभी 2 साल बीत गए हैं, फिर भी उनकी जो माँ है वो माँ वापस नहीं आई है, माँ क्या गई? ये प्रश्न कुसुमायुधना हृदय में सतत रम्या करते हो, तो यानी वो सोचता है कि मेरी माँ कहाँ गई, ये उनके मन में विचार आता था। कोई कहे तो ये तो कोई प्रभुना धाम में गई, कोई कहे तो मामा ने घेर गई, कोई कहे कि ये तो कोई यात्रा करवा गई, नौकर कहे तो ये तो मरी गई। यानी जब जब वो पूछता था कि मेरी माँ कहाँ गई, तो उनको क्या है अलग अलग टाइप के जवाब मिलते थे। कोई बोलते थे कि वो तो प्रभुना धाम में, यानी मृत्यु हो जाना, प्रभु के धाम में चली गई है। कोई उनको कहते थे कि वो तो मामा के घर गई है। कोई उनको कहते थे कि यात्रा यानी प्रवास, यानी मंदिर में दर्शन करने के लिए गई है। सिर्फ नौकर, हम जानते हैं कि नौकर को तो कुछ पड़ी नहीं होती है, वो तो क्या है कि सिर्फ अपना पैसा ही देखता है, और इसलिए वो बोल देता था सीधे सीधा कि वो तो मर गई है। पण मने लीधा वगैरह एम केम गई, कुसुमायुधे आंसू भरी फरियाद सौनी आंख में आंसू लावती हती। एक वर्ष सुधी ये फरियाद करी करी ने थाकेलो बाळक छेवटे प्रश्न बदल्यो, पण पाछी तो आवशे ने। यानी वो सोचने लगा कि मेरी माँ मुझे अकेले छोड़ के क्यों गई, मुझे साथ में क्यों न ले गई। अब उनकी जो दर्द भरी जो कंप्लेन थी, फरियाद थी, वो क्या है कि 1 साल तक तो वो करता रहा, लेकिन उनके आंखों के दृष्टि, आंखें की तरफ दृष्टि किसी की नहीं गई, क्योंकि उनके आंख में से आंसू निकल रहे थे। अंत में उन्होंने सवाल जो था वो बदल दिया, जो पहले पूछता था कि माँ कहाँ गई, लेकिन अब क्या पूछने लगा कि वापस तो आएगी ना क्या, ऐसा पूछने लगा। ये प्रश्न सांभळी सब कोई तेनी सामे जोई रहतू, पिश्चित ज आंख ऊपर लुगड़ू ढांकी देतू, अने कोई वक्त थड़कता हृदय कंठे जवाब आपतू। यानी उनका सवाल सुन के क्या है कि किसी कोई व्यक्ति जिनको ज्यादा मतलब दुख होता था, वो अपने आंखों पर कपड़ा रख देता था, मतलब आंखों में से आंसू छुपाने के लिए, और कोई उनको क्या है कि धड़कते हृदय पे बोल देता था और जवाब देता कि हा हा आवसे, हाँ जाओ रमो। यानी कोई उनको बोलता कि हा बेटा आएंगे, जाओ आप खेलो। आटलो जवाब बाड़क ना अंग अंग में स्फूर्ति प्रेरतो, ये दौड़तो रमतो हसता 4-5 दिवस वड़ी पाछो एनो एक प्रश्न पूछतो। छेवटे तेने ए प्रश्न पूछवानुं ओछू करी नाख्युं। आसपासना सर्वे मनुष्यए कावतरूप करी तेने तेनी माथी विखूटो पाड्यो होय तेवो मान्यता तेना हृदयमां जन्मी, અને તે એકલો એકલો રમવા લાગ્યો। માત્ર રાત્રે ઉગમાં તે કોઈ વાર લબી ઉઠતો, માં માં। અબ જબ કોઈ ઉનકો બોલતે થે કે બેટા હા તુમ્હારી માં આયેગી, જબ ઇતના સુનતે હી ઉનકે અંગ અંગી મેં સ્ફૂર્તિ, મતલબ બહોત ખુશ હો જાના, ઉનકે વો બહોત ખુશ હો જાતા થા, ઓર ફિર વો બોલતે થે જાઓ બેટા આપ ખેલો। અબ વો ક્યા હે ખેલને લગતા થા। અબ ઉનકો મન મેં એસા લગને લગા કે મેરી માં કો શાયદ કિસી ને ધોખે મેં ડાલ કે પંચ મેં ડાલ કે मेरी माँ को उन्होंने क्या है कि मुझसे अलग कर लिया, ऐसा उनके मन में क्या है एक भावना पैदा हो जाती है। अब वो अकेला अकेला खेलने लगता है। कभी कभी सिर्फ रात को ही नींद में कभी लवी उठू, मतलब बोल देता था कि माँ माँ। तेना पिता जबकि ने जागी उठतो अने तेनी साथे तेने शरीर से हाथ फेरवतो। अब उसी समय उनके जो पिता थे वो जाग जाते थे और उनके शरीर पर हाथ घुमाते थे। एकाएक तेने सुंदर मुख वाली कोई स्त्री घर में जोई, मानु मुख जोई પણ દેખાવડી યુવતીમાં જોવાતે મત તો માના સરખું લુગડું પહેર્યું હોય એવી સ્ત્રી તે ધારી ધારીને જોતો। એવી કોઈ સ્ત્રી મળવા આવી હોય તો તેને ઘરમાં રહેવા આગ્રહ કરતો। માની નજરનો ભૂખ્યો બાળક આમ તેની સમજ પ્રમાણે માની શોધખોળ કર્યા કરતો હતો। અબ અચાનક ઉનકે ઘર કે અંદર એક સુંદર મુખવાલી જબ કોઈ સ્ત્રી આ જાતી તો વો ક્યા હે કે વો ક્યા હે કે દેખ રહા દેખતા થા। આજ ઉનકે ઘર પે એક સુંદર કપડે ધારણ કી હુઈ एक औरत आई हुई है तो वो देख उनको सामने नजर मिला के देखता था। अगर उनके घर पे कोई स्त्री मिलने के लिए आई है तो भी वो क्या है कि उनको आग्रह करता था, विनती करता था कि नहीं आप मेरे घर पे रुक जाओ। इस तरह से वो अपनी माँ की शोधखोड़ करता था।
बीजी स्त्रीओ आवीने जती रहती, आ स्त्री तो पाछी बधाने माफक नासी तो नहीं जाए ने, ए विचारे तेने गभराव्यो। सौनी माफक आ युवती ने पण तेने पासे बोलाव्यो। तेने बे त्रण पेटीओ पोताना सुवाना ओरडामां गोठवी, ते उपरथी एने लाग्यो के खरू के आ स्त्री बहु झड़पथी नासी नहीं जाए। छताय खातरी करवा तेने पूछ्यू के तमे अहीं रहेशो के जता रहेशो? यानी जो औरत उनके घर पे मिलने के लिए आती थी, तो वो मिलने के लिए आने वाली औरत तो क्या करेगी कि थोड़े समय के बाद वो चली जाएगी, तो वो चली जाती थी। तो उनके मन में सवाल उत्पन्न हुआ कि ये जो औरत आई हुई है आज, क्या वो भाग तो नहीं जाएगी सब औरतों की तरह? लेकिन उनको यकीन कैसे हुआ कि वो दो चार पेटियां लेके आई थी, तो उनको यकीन हो गया कि ये औरत भागेगी नहीं। और जहां वो सोता था उनके कमरे में वो जो सामान था वो रखवा दिया। फिर भी उन्होंने क्या है कि प्रूफ करने के लिए पूछ लिया कि आप चले तो नहीं जाओगे ना क्या? पहली युवती ने हसवू आव्यू, एने सामे प्रश्न कर्यो, तमने शू गमसे हूँ अहीं रहूँ ते के जाऊँ ते? अब वो औरत ने भी हंस के सवाल जवाब दिया, सवाल किया कि मैं यहाँ रहूंगी तो आपको पसंद आएगा या मैं चली जाऊंगी तो अहीं रहो ते गमे? कुसुम आव्यू दे जवाब आप्यो। तेनी समझ पड़ी नहीं कि आ स्त्री तेने बहुवचन थी शा माटे संबोधे छे। यानी उन्होंने बोला कि नहीं, आप यहाँ रहोगे वही मुझे पसंद आएगा। अब वो औरत ने आप ऐसे शब्द का प्रयोग किया, मतलब मानवाचक शब्द का प्रयोग किया, इसलिए उनको ऐसा लगने लगा कि ये औरत मुझे मानवाचक शब्द से क्यों बुला रही है। ते स्त्री कुसुम आयुध ने थोड़ा रमकड़ा आप्या, सारा कपड़ा पहराव्या, माथु वड़ी आप्यो, पोतानी साथे जमवा बेसाड़ियो, बाड़क ने बहु नवाई लगी। आवी स्त्री कोण हसे, केम आवी हसे? कुसुम आयुध तेनी आसपास से फरवा लाग्यो। अब वो औरत ने उनको थोड़े खिलौने दे दिए, अच्छे कपड़े पहना दिए, उनका बाल जो अस्त व्यस्त होता था वो सही करके दे दिए, और उनके साथ खाने के लिए बिठाती है। अब बच्चे को सरप्राइज होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये औरत कौन है जो मुझे इस तरह से रखती है। अब वो बच्चा जहाँ प्यार देखता है तो उनके पीछे घूमने लगता है, तो इस तरह से वो अपने जो नई आई हुई जो स्त्री है उनके पीछे घूमने लगा। तेने एम पण लाग्यू हसे के पोतानी माफक पिता ने पण आ स्त्री गमी छे खरी, परंतु पिता आगर ते बहु धीमे धीमे केम बोलती हती, आडू केम जोया करती हती, आछू आछू हसती केम हती, आ स्त्री घरमां रह्या करे छे तो केवू सारू, मां पण केवी रीते घरमां रहती हती। अब वो लड़के क्या है कि मन के अंदर अजीब अजीब प्रकार के नए नए विचार उत्पन्न होते हैं कि शायद मुझे ये स्त्री पसंद आ गई ने, ऐसे मेरे पिता को भी पसंद आ गई होगी, लेकिन ये मेरे पिताजी के सामने धीरे धीरे क्यों बोलती है? पहले क्या है, मान मर्यादा का समय था तो मान मर्यादा रखनी पड़ती थी, पति के सामने कम बोलना, फिर वो पति के सामने सब देख रहे तो नहीं देखना, इसलिए वो थोड़ा तिरछी नजर करके देखती थी। वो कम कम हंसती थी, बहुत ज्यादा नहीं कि राक्षसी हास्य नहीं, बहुत कम कम धीरे धीरे हंसती थी। अब उनको ऐसा लगने लगा कि ये औरत अगर ये घर में रहेगी तो कितना अच्छा, कि माँ भी घर में थी तो कितना अच्छा मुझे लगता था। अब 4 साल का बच्चा होता था और माँ अगर मर जाती है तो बच्चे को क्या है कि पूरा याद रहता है मेरी माँ कैसी थी, मेरी माँ कैसे रहती थी, मुझे कैसे लाड़ प्यार करती थी, मुझे कैसे खिलाती थी, वो सारी बातें उनको याद रह जाती है। इसीलिए क्या है कि वो ये सब क्या है कि अपनी माँ की याद उनको आती है। कुसुम आयु थी दहवायु नहीं, एटले सूता पहले तेने पूछू तमे मारा सगा थाओ के नहीं? हाँ, कुसुम आयु रात को पूछते हैं कि सोने से पहले क्या आप मेरे संबंधी हो? तो वो औरत बोलती हाँ। सा सगा था तो पूछते है कौन सा संबंधी हो? तो युवती सहज अटकी, यानी आंख स्थिर थई, तेने सगपणी समझ नहीं पड़ी हो के शू, तत्काल स्थिर थई तेने जवाब आप्यो हूँ तुम्हारी माँ थाव। यानी उन्होंने बच्चे ने पूछा कि कौन से रिलेटिव मेरे हो आप, तब उनको संबंध की समझ में आया या ना, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर क्या है शांत हो जाती है और फिर बोलती है कि मैं आपकी माँ हूँ। माँ, कुसुम आयुध हृदय में अनेक विचारों आवी गया, सखपण साफरता बरोबर ते एक वक्त तो एमज थयू के माँ ने कोटे बाजी पड़ू, परंतु कोण जाने केम तेवी चेष्टा करी सक्यो नहीं, छताय तेने ते स्त्रीनो हाथ पकड़ी दीधो अने पोताना बे हाथ वड़े दाब्यो। माँ कहेडावा मागती स्त्री जरा हसी, परंतु एकलू हसवू कई बस थाय? शा माटे ते पोताना खोड़ामां लई वाल करती नथी? कुसुम आयुध ने शंका पूछी। तेने मारा तमे मारा माँ था? अब कुसुम आयुध के अंदर विचार आ जाता है, ये उन्होंने जब अपना रिलेशन संबंध सुना ने
तब उनको ऐसे लगने लगा कि मेरी माँ के गले लग जाओ, कोटे बाजू पड़ू मतलब गले लग जाओ। लेकिन क्यों वो चेष्टा नहीं कर पाया, यानी फिर भी उन्होंने क्या है कि माँ इतना सुना तो उन्होंने माँ का हाथ पकड़ लिया, अपने हाथ में ले लिया और हाथ दबा दिया। अब माँ कहने लायक ये लड़की भी स्त्री भी है, वो हंस पड़ती है, लेकिन हंसने से थोड़ा बच्चों का प्यार बढ़ता है, है? यानी उनको सिर्फ हंसी नहीं, उनको लाड़ प्यार करके अपने गोद में लेना चाहिए। वो प्यार मेरी माँ क्यों नहीं कर रही है, इसीलिए फिर उनको डाउट होता है, क्योंकि उन्होंने उनकी माँ ने उनको गोद में नहीं लिया, इसलिए उनको डाउट होता है। फिर वो सवाल करता है कि आप मेरी माँ ही हो ना। बाड़क ने बुद्धि मोटाओ ने तावे छे, ऐसा जो सवाल है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि बाड़क ने बुद्धि मोटाओ ने तावे छे, मतलब बच्चों की जो बुद्धि होती है बड़े बड़े व्यक्ति की परीक्षा कर लेती है, कसौटी कर लेती है, क्योंकि यहाँ उनकी परीक्षा हो रही है। वो छोटा भले ही है लेकिन वो सोच रहा है कि माँ सिर्फ क्या है, माँ कहने से माँ नहीं हो जाती है, वो तो लाड़ प्यार करनी चाहिए, अपनी गोदी में ले लेनी चाहिए, अपने को उठा लेनी चाहिए, खुद मेहनत करके उनको क्या है कि अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानी, अच्छे नई नई चीजें लाके देनी चाहिए, और उनको सिर्फ माँ कहने से माँ नहीं हो जाती है, इसलिए बड़े बड़े व्यक्ति की क्या है कसौटी हो जाती है। परिणी ने आवी ते पहले दिवस एक बाड़क आ युवती ने कपड़ी परीक्षा लेते हतो, ते जाणी जाणती हती कि मारे एक बाड़क ने उछेरवानो छे, ते जाणीने ज तेणे पोताना लग्न थवा दीधा हता, परंतु बाळ उछेर ए माँ ने जो अति विकट थई पड़तो प्रश्न, अपर माने तो घणो ज विकट थई पड़े तेवो हतो, एनी ते ने पूरी खबर नहोती, छता तेने जवाब आप्यो, हा भाई हूँ तमारी खरी माँ हो। यानी वो तो क्या है कि जब वो शादी करने के लिए उनके पिताजी गए होंगे तब उन्होंने बता दिया होगा कि मेरा एक बेटा है, मेरी पहले पत्नी थी और उस बच्चे की तुमको माँ बनना है, लेकिन आज पहले ही दिन आई है, आज उनकी क्या हो रही है कसौटी हो रही है, क्योंकि बच्चा अनेक अनेक अलग अलग टाइप का सवाल पूछ रहा है और वो जवाब देना क्या है बहुत कठिन बात थी। यानी उन्होंने क्या है कि बच्चे फिर उन्होंने शादी की होगी कि मैं जानती हूँ मुझे मेरे बेटे को बड़ा करना है, और अब ये प्रश्न जो है वो प्रश्न बहुत विकट था अपर माँ यानी दूसरी माँ सावकी माँ के लिए, और फिर भी उन्होंने बताया कि हाँ भाई मैं आपकी माँ हूँ। अब सोचो कि माँ हो तो भाई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करती है, और ये वो औरत ने तो कौन सा शब्द का प्रयोग किया कि हाँ भाई, कि हाँ बेटा ऐसा बोलना चाहिए, उनके बदले हाँ भाई बोला, त्यारे तमें मने तू कहीं ने क्या बोला होता नहीं। अब दूसरा सवाल उनको मन में हुआ कि आप ऐसा कहा, जो माँ होती है वो तो तू कह के बुलाती है, आप नहीं कहती है, तो अने हूँ तमने शू कहू बहन कह जो। अब वो लड़का बोलता है कि मैं आपको क्या बोलू, तो उन्होंने क्या बोला कि बहन बोलना, ऐसा माँ नहीं फिर भी बहन बोलना। माँ के आ जो शब्द उच्चारण सांभळवानी ये युवती ने हजी तैयारी न होती, पत्नी तरीके कई कई कोड तेने पूरवाना हता, माँ के बा शब्द तो हजू गरडो पड़े तेम तेने लागतो हतो। अब मान लो कि नई लड़की औरत है, शादी करके आई है, इतनी उम्र भी नहीं होगी, तो माँ जो शब्द है वो बोलने की जो उनकी इच्छा अभी नहीं होती होगी, उनको पत्नी के कोड यानी इच्छा पूर्ण करनी थी, इसीलिए वो क्या है उनको ऐसा लगने लगा कि माँ या बा मतलब कि वो बच्चे वाली हो गई, उनको तो बच्चे नहीं है, ऐसा उनको लगने लगा, इसलिए वो शब्द कैसा है बहुत गड़ो मतलब बहुत पुराना है। अब बाड़क हताश थयो अने तेनी खरी माँ नहोती, निश्वास नाखीते उगी गया। बच्चा निराश हो जाता है, उनको लगने लगा है कि मेरी सच्ची माँ है वो सच्ची माँ नहीं है, अगर सच्ची माँ होती तो क्या है मुझे उठा लेती, लाड़ प्यार करती, मुझे तू कह के बुलाती, लेकिन नहीं है। बाड़क कुसुमायुत पिता एक फरी लग्न करवानो निश्चय कर्यो, पुरुष ना ए हक ने तत्काल स्वीकार थयो, तेने लग्न थता पुरुष समझतो हतो के तेने परणवा तैयार थयेली युवती ने कह्यु हतु के गत पत्नी ना पुत्र ने पोताना पुत्र तरीके तेने उछेरवो पड़से, युवतीए ते कबूल कर्यु, ए प्रकारना उत्साह थी कबूल कर्यु के घर में आवी मातृ भाव भूख्या कुसुमायुधे ने पोताना पुत्र नी माफक उछेरवानो प्रामाणिक प्रयत्न तेने आदर्यो। अब कुसुमायु के पिता जो थे उनको दोबारा शादी करने का तय हुआ, ये पुरुष के हक को तुरंत स्वीकार लिया समाज ने और उनकी शादी भी हो जाती है। वो शादी करने आई है वो युवती को बता दिया था कि मेरी पहले एक पत्नी थी, उनका एक बेटा है, उस बेटे की तुमको माँ बनना है और जो जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तुमको अदा करनी पड़ेगी, वो युवती ने वो जिम्मेदारी मतलब वहन करेगी, ऐसी बात भी बता दी।
उत्साह से कबूल भी किया। अब मातृभाव से भूखा कुसुमायुध के पुत्र की माँ बनना, पुत्र की माँ बनना वो प्रामाणिक प्रयत्न वो करने लगी। कुसुमायुध हवे उत्सव के 7 वागी गया, धीमे थी ते बाड़क ने जगाड़ती, यानी अब दूसरे दिन के कुसुमायुध आप उठोगे 7 बज गए है, बच्चे को खिलाती थी, भावे माथा में धुपेल नाखो जो ये बाड़क तेनी पासे बेसी भाड़ो तो अब बोलती थी कि बेटा भाई बाल अच्छे नहीं, बेटा नहीं सॉरी कि भाई बोलती थी कि भाई बाल में तेल डालना पड़ेगा, तो वो तुरंत बाल बनाने बैठ जाता था। हवे नाही लो कुसुमायुध नाही ले तो, अब माँ बोलती थी कि नाही लो तो वो ना लेता था। भाई हवे उठी जाओ, बे करता वधारे रोटली न खवाई, माता ने आज्ञा पाड़ी बाड़क उठी जतो, यानी माँ उनको बोलती कि भाई अब उठ जाओ, 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाई जाएगी। तो तुरंत वो माँ का आज्ञाकारी बन गया था, इसलिए तुरंत वो क्या करता था कि 2 रोटी खा के उठ जाता था। बहु दौड़वू नहीं, बाड़क ना पग आज्ञा से अटकी जाता, माँ बोलती थी कि बेटा ज्यादा दौड़ना नहीं, कि तुरंत माँ के आज्ञाकारी वो बन गया था, इसलिए उनका जो पैर था वो पैर तुरंत रुक जाता था कि दौड़ना नहीं है। बाड़क ने रिसर चीसपाड़ी ने बोलाया नहीं, बाड़क अणुअणु में उभरा तो उत्साह समझे तो कि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं कि एकदम ज्यादा बोल देते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, तो उनके जो इच्छा है चिल्लाने लगते हैं, तो माँ बोलती है बेटा बोलना नहीं, तो वो बोलना बंद कर देता था, उनके उत्साह जो है वो शांत हो जाता था। बाड़क ने रिसर ने उछेरवानी तीव्र वृत्ति अपर मार में जागृत थी गई, बाड़क सुखी और सारो थाय ते माटे तेने बारे जहमत लेवा मड़ी। अब बच्चे को बड़ा करने की जिम्मेदारी उनकी क्या है, अपर मां सावकी माँ के अंदर एकदम जागृत हो जाती है, बच्चा सुखी हो जाए सही हो जाए, इसलिए वो क्या है बहुत जहमत यानी बहुत मेहनत करने लगती है। बाड़क सारो थो तो चाल्यो, आज्ञा धारक थो तो चाल्यो, परंतु तेने खरेखर शंका थवा लगी माँ आवी हो। अब वो बच्चा जो है वो आज्ञाकारी बनते गया, सही बात समझने लगा, लेकिन उनको ऐसा लगने लगा कि क्या माँ ऐसी होती है, माँ तो जो होती है वो बच्चे को खेलने देती है, बच्चे को मस्ती करने देती है, बच्चे को तूफान करने देती है, बच्चे को ज्यादा खाने देती है, लेकिन यहाँ तो माँ क्या कर रही है, पूरा नियम बना रही है, क्या माँ ऐसी होती है। आकाश में उड़तू किल्लोल करतु पक्षी एकाएक आज्ञा धारक विमान बनी जाए, अने जे स्थिति अनुभवे ते स्थिति कुसुमायुध ने थई, यानी क्या तारीख जो होता है तो उन्होंने बताया कि जैसे आज्ञातारक होता गया, यानी किल्लोल करता हुआ पक्षी जो होता है वो पक्षी अचानक क्या है कि विमान जैसा बन गया, जिस तरह से पक्षी की अगर इच्छा हो गई कि चलो उड़ना है तो वो उड़ता उड़ता उत्तर की ओर जाएगा, उनको इच्छा हो गई पश्चिम की ओर जाना है तो पश्चिम की ओर जाएगा, लेकिन विमान क्या ऐसे जाएगा नहीं, वो तो अपने जहां निर्धारित किया वहां ही जाएगा, तो ये एकदम कैसा विमान की तरह हो गया। स्थिति कुसुमायुध ने थी तेना स्वच्छ कपड़ा कपड़ा में स्वच्छता आ गई, तेनी गति में स्थिरता आ गई, गुचवनारी परंपरा ने बदले डायपण की शांति एने सहुनो अनुभव करायो, अने आखो दिवस पग न वाड़ी धांधलियो छोकरो बेसतो निशाळे जवामां पण हा पड़वा लगे। अब उनके अंदर क्या है, पैर के अंदर एक गति आ गई, कपड़ा एकदम उनको स्वच्छ पहनने लगा, जो वो बार बार सवाल पूछता था प्रश्नोत्तरी करता उनके बदले एक समझदारी डायपण यानी समझदारी आ गई, वो शांति से बैठने लगा। कभी शांत न बैठने वाला लड़का वो क्या है स्कूल में अपनी इच्छा से जाने लगा कि हाँ माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, हाँ बहन मैं स्कूल जा रहा हूँ, मात्र तेनु शरीर सुखा तो गयो, लेकिन उनका जो शरीर है वो शरीर सूखने लगा। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत आज्ञाकारी बन जाता है लेकिन उनके मन के अंदर कुछ सवाल अटक जाता है तो वो उनका शरीर है वो सूखने लगता है, वो क्या है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन तो साथ दे रहा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। आ कुसुमायुध बिल्कुल लोही लेतो नहीं, डॉक्टर ने पूछी जो ने अपरमा ने चिंता वधी। अब वो बोलने लगे कि ये कुसुमायुध जो है वो उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, डॉक्टर को पूछ लेते हैं। पिता ने वधारे खातरी थी कि माँ पोतानी फरज बजावे छे, यानी पिता को यकीन हो गया कि माँ क्या करती है अपनी फरज बजा रही है। तेर सारा डॉक्टर ने बुलाया, डॉक्टर ने कुसुमायुध ने जो मत आप्यो कई खास विक्रिया नहीं आ दवा आपो, यानी डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उनको जांच किया, बोला कि इतना क्या है कि उनके शरीर में कोई बुखार ताव ऐसे जो होना चाहिए वो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो दवा ले लो और दवा दे देना तो वो सही हो जाएगा। माए दवा काळजीपूर्वक पावा माँडी, बाळक ने लाग्यु कि आ गंदी दवा पीवी एना करता तो मांदा रहेवू वधारे सारू छे, छतां माँ नी शिखामण अने आग्रह आगळ ते पोताना मठ ने कचडी नाखतो, यानी माँ ने उनको क्या है दवाई पीलाने दी। फिर उनको बच्चे को मन में हुआ
कि ये दवाई पीनी उससे तो मरना अच्छी बात है, बीमार रहना अच्छी बात है। और लेकिन माँ उनको बहुत आग्रह करती थी, सीख देती थी, इसलिए उन्होंने अपने जो मत था कि दवाई नहीं पीनी है, वो मत को क्या कर दिया, तोड़ दिया। भाई आटली दवा पी लो पछी रम्मा जाओ, माँ कहती, माँ बोलती थी बेटा इतनी दवाई पी लो, और फिर बेटा नहीं भाई, भाई शब्द भी बोलना है कि फिर खेलने जाओ। बहन ये तो नथी भावती, न भावे तो पण पीवी पड़े केम, वो लड़का बोलता बहन ये तो नहीं अच्छी लगती है, तो क्या है कि स्त्री बोलती थी नहीं अच्छी लगती है तो भी पीनी पड़ेगी, केम डॉक्टर साहेब कह्यू छे ने, यानी डॉक्टर साहब ने बोला है अने एमना कह्या प्रमाणे करवू जोईए। हास तो बोले कि ये जैसे बोलते वैसे करना चाहिए, ते बधाए कह्या प्रमाणे करवू जोईए, यानी जो बड़े लोग जितने भी होते हैं वो जैसे जैसे बोलते वैसे हमें करना चाहिए, मोटा कहे ते प्रमाणे नानाए करवू जोईए, न करिए तो मांदा पड़े, यानी बड़े कहते हैं वैसे छोटे को करना चाहिए, बच्चा बोलता अगर न करे तो, बोले कि बीमार हो जाएंगे, मांदा पड़ाए, हूँ मांदो पड़े छू, हाँ जरा दवा न पीऊ तो, बोले कि मैं बीमार हो गया, अगर दवा न पीऊ तो, बोले कि मरी जवाय, तो मरी जवाय, अपर माँ ने बीक बताई, यानी अपर माँ दूसरी माँ ने डर बताया कि मर जाएगा तू, बाड़क ने धमकावी नहीं, बाळ उछेर विषे तेने घणुं वांच्युं हतुं एटले धमकावा करता वाद विवाद करी बाळकने नृत्य करी बनावी, तेनी पासे पोतानुं कशुं करावती कह्युं करावती, यानी उन्होंने अपर माने क्या है कि किताब पढ़ी होगी कि बच्चे को कैसे निरोत्तर कर देना, बच्चे के कैसे मुआवजत करना, बच्चे को कैसे समझाना, और इसीलिए उन्होंने क्या है कि बच्चे को समझाना चालू किया, यानी उनको मारना पीटना उससे तो क्या है वाद विवाद करके, यानी उनके बातें बना के क्या कर देना उनको निरुत्तर, यानी बिना जवाब का बना देना। आटली लांबी बात किश्चित थती नहीं, परंतु थती त्यारे बाड़क ने शास्त्रीय रीते समझावी अने तेने संतोष थतो, जो कि बाड़क नो मत ए विषय जुदो ज हतो, यानी जब बात नहीं होती थी बच्चे से और वो बच्चे को क्या करती थी शास्त्रीय मत समझाती थी, यानी शास्त्रों में ये कहा है शास्त्रों में वो कहा, और बच्चे के बारे में क्या है उनका जो मत था वो अलग था। मरी जवाय तो शू खोटू छे, शांति दवा बनी दवा पी जाता बाड़क ने हृदय में प्रश्न, यानी शांति मन में रख के जो दवा पी जाता था उनके मन में सवाल हुआ कि मर जाना अच्छी बात है, माँ मर गई ये कोई ने कहतु हतु तो पोताना माता संबंधी जाखी भुलाई जता आवेले एक बात याद आई, यानी उनको सब बोलते थे ने कोई यात्रा करने के लिए बोलते कोई मामा के घर पे बोलते, कोई क्या है कि प्रभु ना धाम गई ऐसा बोलते, लेकिन नौकर बोलता है मर गई तो उनको मन अचानक याद आ गया तो मर जाए वो तो अच्छी बात है क्या है, अने हूँ पण मर जाऊँ तो माने मड़ाई नहीं के, तेना मने तर्क कर्यो अने तर्क प्रमाण उपलब्ध, यानी मैं भी मर जाऊंगा तो मैं माँ को मिल पाऊंगा, ऐसा उनको साबित मतलब अनुमान किया, वो अनुमान उनको सही लगा। दवा ने कार्य स्तर तक कुसुमायु खरेखर मांदो पड़ो कि दवा दे रही है उनकी संभाल कर रही है, फिर भी कुसुमायु क्या है बहुत बीमार हो गया। भाई तमने शू थाय छे, नित्य क्रम प्रमाणे नाही ने जम्मा आता बाड़क ने माताए पूछू, यानी डेली जो उनको क्रम बना दिया था सुबह में नाना तो ना के आए हुए बच्चे को पूछा, तब बोलते हैं कहीं नहीं बहन, कुसुमायु दे जवाब आप, यानी कुसुमायु जवाब देता है कि कुछ नहीं बहन, अरे पर तुम्हारी आंख तो लाल थी गई छे मने खबर नहीं, बोले के भाई तुम्हारी आंख तो लाल हो गई, तो बच्चा बोलता है मुझे पता नहीं है, अने आ शरीर पर रुवाड़ा उभा थी गया, जैसे कोई झंझनाटी होती है ना रुवाड़ा उभा थी जवा, रोमांचित हो जाना जरा टाड़वा, यानी ठंडी लगती है तब ऐसा होता है, यानी ठंडी लग रही है त्यारे तमे नाया शू काम, बोले कि आप नाया क्यों, नाया सिवाय जमाई नहीं अने जमाया सिवाय तो निशाड़े केवी रीते जवाय, कुसुम आयदे पोताना जीवन ने घड़ता एक गृह नियम नु प्रमाण टाक्यू, यानी माने उनको क्या है कि एक यंत्र जैसा बना दिया था, इसलिए वो बताया कि माँ के बहन के मैं नहाऊंगा नहीं तो खा नहीं पाऊंगा और खा नहीं पाऊंगा तो स्कूल नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं कैसे नहाऊं नहीं, यानी उन्होंने एक नियम बताया, एम करता बाड़क वधारे कंप्यूट हुई, इतना बोलते बोलते तो बच्चे के क्या है एकदम शरीर कंपन हो गया। माए जोयू के कुसुमायु इतना दांत ककड़ी उठता हता, तेने बूम पाड़ी, अरे भाई जोने भाई ने ताव तो नथी आवे ने, अरे भाई जोने भाई ने ताव तो नथी आवे ने, नौकर भाई ने आवी बाड़क ने शरीर हाथ अडाड्यो अने कह्युं बा साहेब शरीर तो ढीकी उठे छे, यानी उन्होंने आवाज लगाई उनकी जो नौकरानी बाई है उनको क्या है कि आवाज लगाई कि बाई उनको देख तो बुखार तो नहीं है ना, और नौकर बाई आती है उनके शरीर पे छूती है तब उनको एकदम ऐसा लगने लगता है कि शरीर तो ढीकी उठे मतलब बहुत गर्म है, आम एकदम साथी थयु, बोलती है हूँ नवरावती थी त्यारे मने शरीर जरा ऊनू लगते थे, यानी नौकरानी बोली कि जब मैं उनको नहलाती थी उसी समय ही मुझे उनका जो शरीर है वो गर्म लग रहा था, त्यारे ते नवरावे शू काम,
यानी मान मतलब अपर माने बताया कि उनको नहलाया क्यों, मारा मन में एम जमस्तु हसे, यानी मेरे मन में ऐसा कहीं ऐसा होगा, जा पथारी पाथरी भाई ने सुड़ाजे बराबर उड़ा दे, हूँ डॉक्टर ने बुलाऊ छू। अब उन्होंने तुरंत चिंता बढ़ गई, बोले कि जा भाई को सुला दे तुरंत, अच्छी बिस्तर बिछा देना, मैं अभी ही डॉक्टर को बुलाती हूँ। पर बहन मारो निसार जवानों सु, नौकर भाई ने हाथ में थी उचकता कुसुमायुध कहू। लेकिन कुसुमायुध बोलता है कि बहन मुझे तो स्कूल में जाना है, क्योंकि उनको यंत्रशील बना दिया था, उनको क्या है कि खंडन मंडन करके उनके वाद विवाद करके उनके जो मत है वो तोड़ दिया था, इसलिए बोलता है कि मुझे स्कूल में जाना, उनका क्या आवाता हूं मैं जवाई जैने सु जाओ भाई, हाँ हूँ आऊ छू। यानी माँ ने बोला के मात, हाँ के माना आप बाड़क ने नियम भक्ति जो दया आवी अने बोली उठी, माई निसार आवाता हूँ मैं जवाई जैने सु जाओ भाई, हाँ हूँ आऊ छू। यानी वो नियम भक्ति देख के माँ बोलती है कि माई गई स्कूल, नहीं जाना है, ऐसे बुखार में जाया नहीं जाएगा भाई, चल चलो सो जाओ। क्या नौकर भाई बाड़क ने उचकी ने ले गई, बाता बबड़ी उठी, भाड़ूती माणसो एमनी सी काळजी, शरीर उनू हतु त्यारे नवड़ावे शू काम, पण नौकरनू शू। यानी वो नौकर बाई उनको लेके जाती है, तब माता है वो खुद अकेली अकेली बोलती है कि ये तो भाड़ूती आदमी, यानी नौकर है वो भाड़ूती, क्योंकि काम कचरा पोचा या जो घर का काम है वो करके चली जाएगी, पैसा ही चाहिए है, वो क्या है कि सेंसिटिव नहीं होती है, यानी उनको बुखार आ गए तो उनको नलाना नहीं चाहिए। लेकिन नौकर का क्या क्या, थोड़ी बार में भाड़ूती डॉक्टर पर आई पहुंचो, इतने में भाड़ूती डॉक्टर भी आ जाता है। भाड़ूती बाई ना हाथ हवालो बदली नाखी ने क्षण पूर्तो हवालो अपर माए ले लीजिए, यानी जो नौकर के हाथ में जो बच्चा था उनको ले लिया और अपने खुद के हाथ में ले लिया। बाड़क ने ताव केम आयो क्यारे आयो वगैरह हकीकत ने डॉक्टर ने कही सुआ मत, तो बाड़क ने आंखों में पोपचा डॉक्टर खींची ने उगाड़िया, यानी कैसा हुआ, कब बुखार आया, कितना आया, ये सब पूछता है। वो सोने मतलब जा रहा था, उनकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन उनके जो पोपचा मतलब ऊपर के जो भाग हिस्सा है वो ऊंचा करके उनको देखते हैं, अने तेनी बगल में थर्मोमीटर खुशी दीधु, बाड़क तेने चप्तू करी उधू से उड़ायू, पछी छाती पेट अने वास में तड़िंग तड़िंग आंगड़ा ठोक्या, उतला पुतली करी डॉक्टर दवा लखी आपी, अने जरूर पड़े तो फरी बोलावानु धीरजपूर्वक सूचन करीने चाले गया। यानी बच्चे को क्या है कि बगल के अंदर उनको थर्मोमीटर रख दिया, कितना टेम्परेचर ताव है वो देखने के लिए, उनका उल्टा सीधा किया, छाती पर ऐसे पेट पर ऐसे उंगलियां मारता है, फिर बच्चे को उल्टा सीधा करके दवाई लिख के दे देता है और धीरजता से कहता है कि अगर आराम न हो तो मुझे दोबारा बुला लेना और ये दवाई मैंने जो लिखी है वो बच्चे को खिला देना। बाड़क नो तलखलाट वधी गयो, तेना देह आम तेम तड़फड़तो हतो, माताए डॉक्टर ने फरी बोलाव्या, बाड़कना पिताए पर कचरे में बोलाव्या, पति पत्नी बाड़क पासे थी उठ्या नहीं, रात्रे माए जमवानो पण मांडी वाळ्यो। यानी बच्चा जो है बहुत एकदम बुखार आ गया था, ठंडी लग रही होगी, तड़पता होता था, इसलिए दोबारा उनको डॉक्टर को बुला लिया, अपने जो उनके पति ऑफिस में थे उनको भी, कचहरी यानी ऑफिस में थे उनको भी बुला लिया। पति पत्नी दोनों बच्चे के पास बैठे हैं, रात को माँ ने खाना भी नहीं बनाया, खाया भी नहीं, बाड़क ना माथा ऊपर सतत बर्फ हाँ मुकवानो डॉक्टर नो हुकम हतो। डॉक्टर हुकम आपती वखते हुकम पाड़वानी शक्यता ने भाग्येज विचार करे छे, नौकरो बरफ मुकी कंटाड्या अने बाड़कना माथा ऊपर झोका खावा लाग्यो। माताए नौकर ने सुड़ावी दीधो अने बरफ फेरवानो पोते शुरू कर्यो, फरज बजावती मरती माताए एना माथे भारे काम आवी लाग्यू नहीं। रातना 12 वाग्या सुधी ते वगर आंख मीचे बाड़क ने माथे बरफनी थैली फेरव्या करती, पछी तेना पति आग्रह करी तेने सुड़ाई, पण ते पोते पुत्र नी सुश्रुता में रोकायो। अब बच्चे के डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के सर पर हमेशा बर्फ रखना, यानी क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा है तो बर्फ रखने से शरीर ठंडा हो जाएगा, और इसीलिए नौकर जो है वो नौकर उनके शरीर पर क्या बर्फ सर पर बर्फ रख रहे है। अब नौकर ऐसे क्योंकि नौकर तो नौकर होते है, 9-10 बजे उनको झोंका यानी क्या है कि नींद आने लगी, तो वो सोचने लगी कि बच्चे पर गिरेगा, इसलिए तुरंत अपर माँ ने जो हवाला ले लिया और खुद उनकी सुश्रुता सेवा में लग जाती है, फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभा रही है। 12 बज गया, अब पति ने आग्रह किया कि जा तुम सो जाओ, मैं बेटे को सुश्रुता मीन सेवा में रुकता हूँ। माता ने कौन जाने उगने आई, जरा बार था इन्हें बाड़क के चीस पाड़ी, वो माँ अब थोड़ी बच्चे को नींद नहीं, माँ को नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर होती है और बच्चा एकदम चिल्लाता है, वो माँ अपर माना पथारी मत एकदम उठी बैठी थी गई। अपर माँ एकदम उठ जाती है और बैठी होके एक बोलती है कि अर्ध पुरुष ना हाथ मत हवा ली ली थी, यानी पछी पोते बाड़क ने पास बैठी, यानी जो पोटली रखी थी बर्फ की वो ले ली,
और खुद बच्चे के पास बैठ जाती है। रात्रि ना एकांत में फरी बाड़क लवी उठो माँ, यानी रात को फिर वो बोल उठा माँ ओ डिकरा एम चीप आवेला शब्दों माता उच्चारे, यानी उनके मुंह पे शब्द आ गए हाँ बेटा ऐसा, लेकिन वो बोल नहीं पाई तेने जरा शर्म आती, यानी उनको शर्म आ रही थी। ते मात्र एटलू ज पूछू केम भाई शू थयू, बोलते कि इतना ही बोलते क्यों भाई क्या हुआ। बाड़के आंख उगाड़ी अने अपर माँ सामे जोई, यानी बच्चे ने आंख खोली और जो अपर माँ है उनके सामने देखते है तेने तमे नहीं कही बाड़के आंख मिची दे। बच्चे ने बोल दिया कि आपको मैं नहीं बुला रहा हूँ, ऐसे करके आंख बंद कर दी। तो क्या बूम पाड़ी ने, वो बोलने लगी कि आपने आवाज दिया, ये तो मारी माँ ने बूम पाड़ी, आंख खोले अगर बाड़क है। बच्चे ने आंख खोले बिना बोल दिया कि मैं तो मेरी माँ को बुला रहा हूँ तुमको नहीं क्या। ते हूँ छू माँ ने माता है कभी, यानी माँ ने बोल दिया कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ क्या। अब क्या है कि वो भाई बहन का जो संबंध है उन्होंने तुरंत मिटा दिया, बोल दिया कि नहीं मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। बाड़क फरी आँख खोल उगाड़ी माता रब ताकि नहीं जोई। अब बच्चा आँख खोलता है माँ के सामने देखता है एक टस से, हाँ पण हूँ तो मारी माँ खरी माँ ने बुलाओ, बोले कि मैं तो मेरी सही माँ को बुला रही हूँ। अपर मानु हृदय धड़की उठ्यू तेना हृदय में चीरो पड़ो, हजी आ बाड़क ने हूँ खरी माँ सरकी लागती नहीं, यानी अपर माँ का जो क्या दिल टूट गया, उनके हृदय के अंदर बहुत ध्रुजारी उत्पन्न हुई। बोलने लगी कि ये बच्चा अभी भी मुझे खरी सही माँ नहीं मानता है। तेने कहू कि हूँ ते हूँ ज वड़ी खरी माँ छू, यानी मैं ही तुम्हारी सही माँ हूँ। खरी माँ मने तू कहती हती तमे नहीं, यानी मेरी जो सही माँ थी जो ओरिजिनल माँ थी वो तो मुझे तू कह के बुलाती, आप कह के नहीं कह है? मैं तमने क्या रे तमें कहीं नहीं बोला छे, माता झूठू बोली, यानी माँ झूठ बोलती अपने बेटे के सुख के लिए। बोले कि मैंने कहा आपको आप कह के बोला, मैं तो तू ही बोलती हूँ, पर मारी खरी माँ तो मरी गई छे, यानी वो बोलने लगा मेरी सही माँ तो मर गई है, है? ते हूँ आ गई जो तो नहीं केम ओ डिकरा तारा माटे, बोले कि मैं आ गई देखता नहीं है किस क्यों, तो बोले कि तुम्हारे लिए बेटा तुम्हारे लिए। अभी वो उन्होंने बेटा बोला है, तब जब बेटा बोलते हैं तो उनके हृदय के हृदय शांत हो जाता है। अपर माँ खरी माँ बनी गई, तेना बाड़क ना मुख पर पहलू चुम्बन लीध, तेरा हृदय में मातृत्व नो पाताल फूटी निकलो। बाड़क ने नानी पलंगड़ी में ते सूती अने बाड़क ने छाती सरखो चापी लीधो। अब जो अपर माँ थी वो सही माँ बन गई, सबसे पहले उन्होंने क्या है कि किस कर लिया, चुम्बन कर लिया, पप्पी कर ली, फिर उनका हृदय में जो पाताल मातृत्व नो पाताल को मतलब खूब हेत बहुत प्यार उनके क्या हृदय में उबरने लगा। छोटी सी पलंग थी फिर भी उनके साथ सो गई और अपने सीने से बच्चे को लगा दिया। जब ये वात्सल्य भाव मिलता है, जब किस करना, जब मातृत्व भाव फिर हृदय से लगा लेना, तब बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि नहीं वही मेरी माँ है, वही मेरी ओरिजिनल माँ है, वही मेरी सही माँ है। जो उनके हृदय के अंदर जो पराई माँ थी वो भाव उनके अंदर से निकल गया और यही मेरी माँ है भाव जब आ गया तो ऑटोमेटिक क्या है कि उनका बुखार है वो चला जाता है। वो उनको सही बुखार नहीं था, वो मानसिक बुखार था कि ये मेरी माँ नहीं है, वही बुखार था, इसलिए बुखार चला जाता है। बानो उमर को उड़ो और समझवानी जरूर न होती, ये तो इतलू समझियो कि आज साती सरखी चापी खरी माँ सुए छे, यानी बच्चों को क्या है कि उनका प्रेम क्या है वो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल माँ होती है वही अपने सीने से लगा के बच्चों को सोती है। खरी माँ बाजी ने कुसुम गाढ़ निंद्रा में पड़े, अपनी माँ को सीने से लग कर वो क्या है कि बहुत गाढ़ निंद्रा में सो जाता है। तेना देह में बड़वानो अग्नि शांत हो गया, यानी उनके जो शरीर जल रहा था वो शांत हो गया। हवे तेना मस्तक पर बर्फ मुकवानी जरूर नहोती, आजे ते मानी अमृत भरी स्वर पामी, यानी उनके सर पर अब क्या है बर्फ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ की गोद उनको मिल जाती है। उनको क्या है कि कोई दवा दारू यानी पड़ीकी की जरूरत नहीं पड़ती है, माँ का प्रेम ही बच्चे को हृदय को शांत कर देती है। चलो अब हमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि नवी स्त्री गर्म जोया पछी कुसुमायद ने प्रथम 100 प्रश्न पूछो कि तमे अहीं ज रहेशो, दूसरा सवाल नवी स्त्री कुसुमायद ने कैसे संबोधन करे छे, तो नवी स्त्री कुसुमायद ने भाई संबोधन करे छे। आ पाठ में भाड़ूती शब्द कोना कोना माटे वपरायेलो छे, तो नौकर अने डॉक्टर माटे। बीमार कुसुमायद કયું વાક્ય નવી માના હૃદય નીચે નાખે છે, કે હું તો મારી માને બોલાવતો હતો, કે માની ગેરહાજરી વિશે કુસુમાયને નાનપણમાં કેવા કેવા જવાબ મળતા, તો કોઈ કહે જાત્રાએ ગઈ, કોઈ કહે પ્રભુના ધામમાં ગઈ, કોઈ કહે કે મામાને ત્યાં ગઈ, નોકર કહેતો હતો કે મરી ગઈ। કુસુમાયુદ માની શોધખોળ કેવી રીતે કર્યા કરતો, કે મારી માં ક્યાં છે, તે ક્યારે આવશે, જે પણ વ્યક્તિ આવતું તેને પૂછતો હતો, તેવી રીતે શોધખોળ કરતો હતો। નવી માં કુસુમાયુદને કેવી રીતે ભલામણ કરતી કે બેટા આટલું ખાઈ લેવું જોઈએ,
पहला नहावू जो पची खाव जो पची स्कूल में जवु जो ते मारी खरी में था छो। चौथु नवी स्त्री पोते खरी में था बनवा शू कर तो पोता हृदय सरखो पुत्र ने चापी दीदो अने तेना तेने शरीर पर हाथ फेरवा लगी। सविस्तार हम बाद में देखेंगे, मतलब जब मिलेंगे तब देखेंगे। थैंक यू। मेरा नाम बामणिया प्रवीण कुमार, मेरा मोबाइल नंबर 9904198 16। अगर कुछ ज़रूरत हो तो कॉल करना। थैंक यू।